महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठनों ने की मांग, ईश निंदा के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद बिल लाए सरकार। इस वक्त सोशल मीडिया पर जिस तरह धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरह किसी के भी धर्म का अपमान किया जा रहा है और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, जिस तरह नरसिंह आनंद जैसे लोग पैगंबर मोहम्मद का अपमान कर रहे हैं, जिस तरह वसीम रिजवी जैसे लोग कुरान जैसी पवित्र किताब को लेकर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, तो ऐसे में महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठन चाहते हैं कि सरकार इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ईश निंदा करने वाले लोगों को कठोर सजा देने के लिए पैगंबर मोहम्मद बिल नाम से कानून बनाए। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इस कानून से दूसरे सभी धर्मों के प्रमुखों और हस्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों पर भी रोक लगेगी। विधेयक लाकर कानून बनाने की मांग प्रकाश अम्बेडकर के नेतृत्व वाले वंचित बहुजन अघाड़ी यानी वीबीए और रजा अकेडमी एफ तहफ़्फ़ुज़े नमूसे रिसासत जैसे मुस्लिम धार्मिक समूहों ने की है। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक उर्दू प्रेस में प्रस्ताव पैगंबर मोहम्मद बिल नाम से मशहूर हो रहा है। हालांकि इस बिल का मसौदा पैगंबर मोहम्मद एंड अदर रिलीजियंस हैड प्रोहिबिशन ऑफ सरेंडर एक्ट 2021 के रूप में तैयार किया गया है। इसे मसौदा विधेयक को अभी सरकार को सौंपा जाना है। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के अध्यक्ष एवं रिसालते बोर्ड के प्रमुख मौलाना मुईन अशरफ कादरी ने कहा कि ये हमारा एक सुझाव है। मौलाना ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो इस मसूदा विधायक को कोई और नाम दे सकती है। हमारी मांग है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान और ईश निंदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कठोर कानून मौजूद हो। ये कानून किसी भी धर्म के प्रमुखों या देवी देवताओं के अपमान पर कार्रवाई करने वाला हो। इस तरह का अपराध करने वालों के खिलाफ जो मौजूदा कानून है वह अपर्याप्त और कमजोर है, इसीलिए सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होती हैं। इस प्रस्तावित विधेयक के बारे में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि ये विधेयक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कोई भी हमारे पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक बातें कहेगा उसे सजा मिलेगी। उन्होंने कहा सलमान रुश्दी जैसे लोग जो घृणा फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये विधेयक केवल मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए होना चाहिए, ताकि कोई भी गांधी जी विवेकानंद के खिलाफ गलत बात ना करे। सपा नेता ने कहा कि सभी धर्मों के लोगों को इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।